हेलो बच्चों, मैं रमन सर आपका डाउट नट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मुझे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट होता है, कई सारे लोग इसे इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम टैकल नहीं कर पाते। उन सारे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा। आपको ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा, और साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग में जो भी चीजें हैं वो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। कोई भी आप ले लीजिएगा, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लेते हैं, उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझते हैं। अगर हम देखें एग्जाम में, देखते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो अल्फाबेट्स की पोजीशन को वहां पर जाकर नोट डाउन करते हैं। हमें कभी भी अल्फाबेट्स की पोजीशन को नोट डाउन नहीं करना होता है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान के चलिएगा टी की पोजीशन क्या होती है, 20 होती है। अब बच्चा क्या करता है, एग्जाम में जाएगा T20, U21, V22, इनको रैंडमली इसको कंटिन्यूअसली याद करेगा। अगर आपको रैंडमली याद करना है, याद कर लीजिएगा T20 क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है। क्या होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, इससे याद कर सकते हैं। और इजी बताता हूँ, एक आध और बताता हूँ आपको, किंग्स 11 पंजाब, यानी के की पोजीशन क्या होती है, 11। तो हम क्या याद कर सकते हैं, किंग्स 11। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैंने आपको बताई, इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपको ट्रिकी से सॉल्व कराऊंगा। पूरी रीजनिंग आपको ट्रिकी बेस सॉल्व होगी, और आपको इस रीजनिंग को ट्रिकी बेस बनाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको हमारे डाउट नेट ऐप पर जुड़ना पड़ेगा।